दोस्तों आज की कहानी है बाबी जी। आप तो बहुत मितव्य निकली। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ खर से है ना कम होने का नाम ही नहीं लेते। ऊपर से अभी दीदी के बेटे का मुंडन आ गया। कल खरीदारी के लिए जाना है। निमिषा आपने मैं कि आपने ननन के बेटे की खरीदारी की चिंता की बात माँ से कर रही है तभी उसकी भाभी साई नाश्ता लाते मुस्कुराते पूछती हैं, अच्छा दीदी आप बताइए कि फिर अपने लिए क्या लेगी। मेरे लिए जब पैसे बसे तब तो सोसो सबकी खरीदारी करते ही इतने खर्चे हो जाते हैं कि अपने ऊपर खर्च का तो सोच कर ही नुकसान नजर आने लगता है, इसलिए अपने लिए कभी कर ही नहीं पाती। कहते निमिषा का मुंह उतर गया मगर दीदी ऐसे तो आपका मन महसूस कर जीने से हर वक्त यही मलाल रहेगा कि मैं कुछ भी अपने मन का नहीं कर पाई। यदि सोचते बोली तो अब होता ही है भाभी, हर बार बस मन महसूस कर रह जाओ। तुम सही कह रही हो भाभी, यही सोच आ जाती है। कहते निमिषा के चेहरे पर गुस्से के भाव उतर आए। अरे तू शांत बैठ और मेरी बहू से खरीदारी का तरीका सीख, ये नुकसान होने ही नहीं देती। लता जी सही की सुसकियाँ भरते बोली, क्या बात कर रही हो माँ, क्या सच में भाभी। निमिषा आश्रज करती वो बोली, नुकसान नफा तो नहीं पता दीदी, मगर हाँ खरीदारी ऐसे करो कि थोड़ा नफा भी हो जाए और थोड़ा अपने मन का भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। कहते यदि मुस्कुराने लगी, वाह भाभी हमें भी बताओ ये कमाल। निमिषा की आंखों में समक आ गई कि वह भी अब अपने लिए खरीदारी कर पाएगी। दीदी आपको एक बार का किस्सा बताती हूँ। हुआ ये कि एक बार मुझे आपके यहाँ ही गर्भ प्रवेश में आना था और मेरे पास आप सबका सामान लेने के बाद केवल 900 रुपये ही बचे थे। यदि बोलने लगी, ओ हाँ हाँ हमारे यहाँ गर्भ प्रवेश था और सब की पाई थी और बढ़िया सामान लाई थी तुम भाभी, और यही नहीं तुम्हारे कपड़ों की मैचिंग भी हमारे घर में सबको पसंद आई थी। वह तो बड़ी महंगी लग रही थी मगर कैसे खरीदा जब आपके पास 900 रुपये ही थे। तब निमिषा को अपने यहाँ का गर्भ प्रवेश कार्यक्रम याद आया। उन्हीं 900 रुपये से दीदी कैसे, ये तो गजब खरीदारी है। निमिषा एक हाथ दूसरे हाथ पर मारते बोली, हुआ ये कि मेरे पास तो 900 रुपये ही थे और इसे मैं वापस घर भी जाना था, साड़ी और स्टोल भी खरीदना था, मगर उसकी खरीदारी करती उससे पहले मुझे वह सार कंगन का सीबीओ वाला सेट बहुत ही सुंदर पसंद आ गया। दिल ही अटक गया कि अब कुछ और पसंद भी नहीं आ रहा था, मगर वो सेट 600 रुपये का बहुत ही महंगा था, मगर जब दिल आ गया तो लेना भी वही था। मैंने सोचा इतना महंगा नहीं खरीद सकती, अब क्या करूं। यदि पूरे एक्शन के साथ बताने लगी, अचानक उसे आइडिया सूझा, सोचा सारना सही दो कंगन तो पहन ही सकते हैं। मैंने दुकान वाले भैया को बोला, भैया ये सार कंगन बहुत मोटे और भारी लग रहे हैं, क्या आप मुझे ये सार की जगह केवल दो कंगन बेच सकते हैं, और हाँ ये नीले रंग का सीपीयू वाला स्टॉल भी दे दो। दुकानदार को भनक भी नहीं पड़ी और उसने मुझे दो कंगन दे दिए। सच मानिए दीदी, उसे लेकर मन इतना प्रसन्न हो गया था कि आज भी वह दिन याद आते ही आंखों में एक खुशी सी महसूस होती है। कहते कहते यति का चेहरा खिल गया और साड़ी कैसे खरीदी भाभी, उस मजेस में निमिषा पूछी बैठी। हाँ सुनो तो फिर साड़ी मुझे याद आई, वो गहरे नीले रंग की इंद्रधनुष सितारों वाली साड़ी जो 6 साल पुरानी साड़ी थी,
क्या से साल पुरानी निमिषा तपाक से मेरे दोस्त ने उपहार में दी थी, जिसे मैं पहले भी बहुत बार पहन चुकी थी, मगर उसको दूसरी तरीके से पहनी तो वो किसी को पता ही नहीं चली, बस हो गई मैसिंग और अब का कार्यक्रम हो गया और मेरा काम हो गया, कहते यति हंसने लगी। और हाँ, तो आपने साड़ी पर स्टोन लेकर साइड में इस तरह से पहना था कि वह साड़ी पुरानी नहीं, वो तो एक अलग तरीके का परिधान लग रहा था, बिल्कुल नया सा। निमिषा को सब साफ साफ याद आ गया, तो बस 900 रुपए में 300 के दो कंगन और 300 का दुपट्टा आ गया, बस से 300, फिर उनमें से 20 रुपए के गोल खपे खाए और 50 रुपए का ऑटो किया और ऐसे 250 रुपये बस गए। यति बैग सुकून से बोली, अरे लेकिन तू उसके साथ का सेट भी ले आती, कंगन के साथ वह बहुत सुंदर थे और तू आराम से पैसे एटीएम से निकाल सकती थी, सासी से उधार ले सकती थी। लता जी हंसते हुए बोली, हाँ मम्मी बहुत अच्छे थे और मैं पैसे भी निकाल सकती थी, मगर मुझे खर्च नहीं करने थे क्योंकि मन पर लगाम लगाना जरूरी है। मतलब दीदी बाजार जाओ तो आपका मन सोचता, अरे मेरे पास ज़्यादा पैसे लेकर आई हूँ तो ये भी ले लो और वो भी ले लो। खर्च करते वक्त मन पर काबू नहीं रहता और जब खर्च कर लो तो बाद में बहुत सी चीज़ें जो हम उस वक्त देखा देखी में ले आते पता चलता है, असल में हमें उनकी जरूरत ही नहीं थी और हमने भारी खर्चा कर डाला। हाँ ये तो तुम सही कह रही है भाभी, इसीलिए अपने पास बाजार जाते वक्त पैसे कम लेकर जाओ तो सीमित खरीददारी ही होगी, फिर थोड़ा मन का खरीद लो और थोड़ा मन को काबू कर लो। और वैसे भी यदि पैसे जरूरत भर के रखे तो फिर आपका मन करे भी तो आपका दिमाग खर्च करने ही नहीं देगा, फिर आपकी ईसाई कितनी भी बेकाबू क्यों ना हो दिमाग कभी नुकसान होने ही नहीं देगा, तब तो लाभ देखकर आपको भी अपने मन पर काबू करने आ जाएगा और मन पर काबू रखने से बड़ा नफा कुछ भी नहीं। यति मुस्कुराते बोली, वाह ये कम पैसे ले जाने से सीमित खरीदारी वाली बात वाकई ही काम की है। सच में पैसे सीमित ले जाएंगे तो खर्चे भी जरूरत भर के ही होंगे और हम अपने मन का भी ज्यादा ना सही मगर ले जरूर लेंगे। मान गए बहू की पार की नजर को खरीदारी करने में तो इसका कोई जवाब नहीं। लता जी अपनी यति बहू को फकर से देखने लगी, भाभी आप तो बहुत मितव्य ही निकली और आपने मुझे भी नफा नुकसान का जो अनोखा तरीका बताया, अब मुझे भी मन नहीं मारना पड़ेगा और मैं भी अपनी खरीदारी बेहतर तरीके से बिना किसी नुकसान के कर सकती हूँ। नया तरीका जानकर निमिषा भी बैल